मेरे साथ चाय खाना के मैनेजर और हेड शेफ हैं, दोनों ही मौजूद हैं। गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी यमी सी बन गई जी बाइट। चीज ऑमलेट जो है बनने लगा। फ्रेश इनका डोनट बनवाया है और साथ ही केक। चाय खाना की ये चीज बंदा कैसे छोड़ सकता है यार। अभी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ चाय खाना की, भाई ये कौन सी ब्रांच है और पर पर्सन सैरी बफे जो था वो कितने का था। अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूं। सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो कैसा जा रहा है आप लोगों का रमजान? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है। जबरदस्त रोजे गुजर रहे हैं, अच्छी इफ्तारियां हो रही हैं, अच्छी सहरियां हो रही। सहरी से याद है, सहरी में टाइम कितना पड़ा है? 244 हो चुके हैं। 320 के अराउंड जो है फैमिली जागना शुरू हो जाती है, सहरी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। पूरा घर इस टाइम पे अभी सोया है, सिर्फ मैं वाइज बंदा हूँ जो जागा हूँ और तब भी व्लॉग बना रहा हूँ यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब अब तो लाइक कर देना यार, अच्छी इफ्तारियां भी हो रही हैं, अच्छी सहरियां भी हो रही हैं, लेकिन वीआईपी नहीं हो रही ना यार। दिल कह रहा है भी कहीं वीआईपी इफ्तारी करो, वीआईपी सहरी करो, लेकिन अभी सहरी का टाइम है, हम इफ्तारी तो कर नहीं सकते। तो अब पेट अमीन कर रहा है, अब मैं अकेला जा भी नहीं सकता, क्या करूँ। रोमान को जगाते हैं, रोमान को जगाते हैं। टोटल खामोश, सब सोए सब। रुमान, हेलो रुमान। फाइनली जी रुमान उठ तो गए। रुमान कहीं सैरी करने जाना है यार, तुम्हें इस वजह से जल्दी जगाया है। कहाँ जाए? किसी ब्रांड पे जाते हैं। ब्रांड पे? हाँ। रुमान कह रहा है किसी ब्रांड पे जाते हैं, पक्का? हाँ। चलो फ्रेश हो फिर जाए ना। A few moments later. चलो भाई जल्दी जल्दी से, मैं तो रेडी हो चुका हूँ, साथ रोमान भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता ही नहीं भाई हमने जाना किधर है। यार जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, जल्दी करो निकलते हैं। किधर जाएंगे तो कह रहा हूँ ना यार, रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है, रुक जाओ। ये हम किधर आ गए भाई? पीछे देखो, पीछे। चाय खाना? जी भाई। चलो यार चलो। किधर, क्यों किधर जा रहे हो? चाय खाना। हाँ, हम तो सैरी इधर ही करने हैं, यही तो पाकिस्तानी ब्रांड है जिधर मैं आपको बोल के लेके आया। बहुत महंगा है। बहुत कोई मसला नहीं भाई, हम सैरी करेंगे तो इधर ही करेंगे। मैं इधर ही आपको इसलिए लेके आया। सोच लो, मैं आपको पहले ब्रांड का बोला था, मैं आपको ब्रांड पे लेके आया हूँ। हम पहुंच चुके हैं चाय खाना, अभी अंदर चलते हैं और डिटेल लेते हैं भाई क्या सीन है सैरी के। अभी इस टाइम मेरे साथ चाय खाना के मैनेजर और जो इनके हेड शेफ हैं दोनों ही मौजूद हैं। गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्लाह शुक्र, आप सुनाए खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अफजल। आपका क्या नाम है? राजा सलमान। राजा सलमान, क्या सीन है फिर सैरी के? सैरी का बिल्कुल फिट सीन है, बुफा लगा हुआ है, इसमें फ्रेश फ्रूट कट्स हैं, आए हम आपको लाइव विजिट करवाते हैं। लाइव विजिट करेंगे, पहले मेन्यू के बारे में तो गाइड करें। हमारे पास इस टाइम है बीफ कीमा, अच्छा लोहरी, चिकन चने, ये मेन कोर्स में आता है, कोर्स में आता है। उसके बाद भुजिया है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास चिकन कौरमा आ रहा है, फिर पूरी खगीना और लाइव ऑमलेट है, पूरी लाइव है, जबरदस्त ब्रेड है। आए आपको आइटम तो बड़े जबरदस्त जबरदस्त हैं। तो कब तक स्टार्ट करना है? डिस्प्ले हो चुका है सब कुछ? डिस्प्ले सब कुछ आए, मतलब कि अभी हमने अभी स्टार्ट ही करना है, बस स्टार्ट ही करना। और कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं, बात नहीं, बस आपके वेट कर रहे थे। सही बात है जी जी। क्या बात है, फिर तो स्टार्ट करते हैं सैरी। जैसे बताया कि सब कुछ डिस्प्ले हो चुके हैं, बस इनका मेन्यू चेकआउट करते हैं और फिर सब्र नहीं हो रहा यार, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ जी, स्टार्ट किधर से हो रहा है? ये हमारी आलू भुजिया। आलू भुजिया जी जी, जबरदस्त हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये लोहरी चिकन छोले। वाह जी वाह, लोहरी चिकन छोले। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है बीफ कीमा। बीफ कीमा जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बाद ये हमारे पास चिकन कौरमा। चिकन कौरमा जी जी, खुशबू तो बड़ी प्यारी है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे पास आ जाता है खगीना। क्या? खगीना। खगीना जी जी। ये कौन सी डिश है? ये मैंने ऑमलेट की डिश है, बेसिकली पाकिस्तानी में इसमें पोटैटो होते हैं और कुछ वेजिटेबल। अच्छा, मतलब जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल जबरदस्त किस्म की। फिर उसके बाद? और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉइल्ड एग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तानी ऑमलेट। पाकिस्तानी ऑमलेट जी, जबरदस्त। ये लाइव भी लग रहे हैं, बुफे में भी लगाए हुए हैं, रश के दौरान लोग बुफे से भी ले सकते हैं और लाइव भी। वहाँ पे हमारे पास सिक्स टाइप के ऑमलेट है। सही हो गया। हमारे पास आ जाते गर्मा गर्म रोटियां, तवा रोटी जो फ्रेश होती है, चपाती टाइप।
ये हमारे आगे पराठे पराठे आ गए जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये हलवा हलवा जी जी जबरदस्त हो गया। और ये हमारे पास पूड़ियां हैं जो यहाँ पे भी हुई हैं और फ्रेश भी मेड हो रही हैं। जबरदस्त है। आगे हम आपको आगे भी उसके बारे में डेजर्ट्स में क्या क्या आपके पास? हमारे पास ये फिलहाल ये कोल्ड किचन है जिसमें दही ये कैंडा पीसेस हैं और फ्रेश फ्रूट कट है और ऊपर फ्रेश फ्रूट लगा है। उसके बाद हमारे पास मफन है मल्टी कलर के, चॉकलेट मफन है, वनीला मफन है, मफन हो रहे हैं, डोनट्स हैं, फ्रूट केक है, बिस्कुट्स हैं। हमारे पास जूस लूची का, स्वीट लस्सी है, नमकीन लस्सी है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेड ब्रेड आ गई है जी। ब्रेड आ गई, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, जबरदस्त। मैंने जो है भाई ने फुल डिटेल के साथ तो दिखा दिया हमें, अब इनका लाइव किचन चेक करें। इधर लाइव फ्रेशली मेड पराठे हो रहे हैं जबरदस्त, और यहाँ पे हमारा पूड़ी का सेक्शन है जबरदस्त, और ऑमलेट ऑर्डर के हिसाब से जैसे गेस्ट कोई भी करता है मतलब मैक्सिकन ऑमलेट या चीज ऑमलेट तो वो हम फ्रेशली फ्रेश लाइव बना के देते हैं। हम तो फिर लाइव ही बनवाएंगे, कोई मसला नहीं है, चीज वाला बनवाएंगे, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त हो गया, स्टार्ट करें आप इंशाल्लाह। अभी सहरी का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी रुमान स्टार्ट करें फिर, भूख लगी है। चलो फिर सबसे पहले तो मैं कोई मीठा शीठा कहूँ ना यार, मीठा खाते हैं फिर उसके बाद सहरी स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें जो हैं डिस्प्ले थी गर्मा गर्म हम डाल के ले आए हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनकी एम्बियंस के बारे में बताता हूँ, मतलब ज़बरदस्त एम्बियंस है इनकी, और साथ पीछे जो हल्की हल्की नाथ की साउंड है ना वो तो सही करने में और चांस देगी। चेक करें ज़रा पूरा टेबल माशाल्लाह से फुल है। एक एक करके आपको सबसे पहले तारुफ कराते हैं उस चीज़ का, वैसे तो मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद रिव्यू करेंगे। पूड़ियाँ पराठे हैं, ये इनका कीमा है, ऑमलेट है, ये इनका स्पेशल किस्म का ऑमलेट है, और साथ चिकन कोरमा है, चने हैं, आलू की भुजिया, हलवा, दही, लस्सी, और साथ ये एक जूस है, और बाकी डेजर्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में ट्राई करेंगे। चाय भी है इनकी, तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को ट्राई करें ना। स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले बोला भूख लगी फिर स्टार्ट करो। पराठे जो हैं थोड़े बहुत ठंडे हो चुके हैं, फ्रेश पराठे ने बनवाए, साथ फ्रेश ऑमलेट भी बनवाते हैं। हाँ पूरी लेकिन चलो ट्राई तो करो ना, फिर उसके बाद गर्मा गर्म करवाते हैं। ये सबसे पहले मैं इनका जो है सबसे स्पेशल जो ऑमलेट इन्होंने बताया भी हमारा स्पेशल ऑमलेट बना हुआ है, इसको मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो ये चेक करें यमी सी इसकी है, मैंने बाइट बना ली है। ज़बरदस्त बना हुआ है। कीमा जो है रोमान ने पहली बाइट में ही पास कर दिया है। रोमान ने कहा भी कीमा जो है बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, तो ट्राई करते हैं कीमा भी। ज़बरदस्त बना हुआ। आज जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि भाई मंडे है, सुबह सब ने काम पे जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, एक हम ही हैं जो भाई फुल यस सीन है। इतनी ख़ास रश नहीं है वैसे जिस तरह चाय खाना पे रश होती है। इनका लाइव सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी भाई साहब कब तक बनेंगे पराठे गर्मा गर्म? हम वेट कर रहे हैं, पूड़ियाँ भी स्टार्ट करें ना, आपको पता है गर्मा गर्म ही मज़ा करते हैं। आए ना आप भी हमारे साथ सहरी करें, जबरदस्त माशाल्लाह। ऑमलेट का फिर क्या सीन है, गर्मा गर्म चीज़ वाला ऑमलेट खिलाएंगे? चलें पहले मैं बाकी चीज़ों से निमट लूँ ना, फिर इंशाल्लाह चीज़ वाला ऑमलेट खाते हैं। पूड़ी हमने गर्म मंगवाई है, फिर पराठे भी हमने मंगवा लिए हैं, अब अपना रिव्यू जारी रखते हैं, फिर उसके बाद आराम सुकून से ना क्या कहते हैं उसको कैसे खाएंगे, चिल होके खाएंगे, तुन के खाएंगे। चिकन तो भाई साहब पूड़ी और चने का जो कॉम्बो है नेक्स्ट लेवल, ट्राई करो यार। चिकन तो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बना हुआ है। तरह ना भाई ये आ गई है हमारी पूड़ी और ये लाहौरी चने।
माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ये इधर ही डाल दें इसी के ऊपर। जबरदस्त यार, क्या बात है। अब गरम गरम पूरी खाएंगे ना यार, चेक करें जी इस पूरी का मज़ा है ना असल। क्या हमारी यमी सी बन गई जी बाइट। क्या जी ऑमलेट चेक करते हैं अब। ये आ गया जी ऑमलेट की बाइट। गर्मा गर्म पूड़ी, ये हम बना रहे हैं जी यमी सी बाइट, पूड़ी और आलू की भुजिया। हलवा और पूड़ी का कॉम्बिनेशन टॉप पे। हर वैसे टेस्ट तो इनका ज़बरदस्त है। चाय खाने का टेस्ट ना हो फिर किसका हो। आए क्या बात है। बाकी मैं चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ। ड्रिंक्स में हमारे पास लस्सी है और साथ ये लीची का जूस है, बॉयल हमारे पास एग भी है। इनके साथ हम निमट लें, फिर उसके बाद एंड में जो है मुंह मीठा करेंगे, डेजर्ट्स ट्राई करेंगे। चक्कर क्या हुआ है, हम रिव्यू करते करते ना अभी जो चीज़ हम डाल के लेके गए हैं सब कुछ ठंडी हो गई है, तो अभी सारा कुछ गर्मा गर्म डालते हैं। कीमा पड़ा हुआ था, ऑमलेट पड़ा हुआ था और चिकन और साथ चने हम जो हैं ले आए हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई है। चने बेचे और कीमा बेचा है। चने कीमा चिकन चिकन बेचा। चलो फिर एंजॉय करो, सहरी सहर होके करनी चाहिए। हमारा जो है चीज़ ऑमलेट जो है बनने लगा है, गर्मा गर्म चीज़ ऑमलेट। तो ये मैंने स्पेशली बनवाया यार, इसको ट्राई करते हैं। बुफे का ये रोला होता है ना भाई, इतनी ज़्यादा आइटम्स होती हैं, बंदा थोड़ा थोड़ा चेक भी करे ना तो बिल्कुल फुल हो जाता है। चीज़ ऑमलेट बनवाया है लेकिन उन भाई से नहीं बन सका, मैं जो है इस टाइम पर फुल हो चुका हूँ। मैं तो भाई हर रोज़ सहरी में रूटीन है चाय पीने की, थोड़ी बहुत चाय भी बना लेते हैं ताकि भाई चाय की कमी पूरी हो जाए। अभी सहरी कर ली है, आखिर में चाय ज़रूरी थी लेकिन मिल्क पाउडर वाली ख़ुद ही बनाई है, साथ फ्रेश इनका डोनट बनवाया है और साथ ये केक। सहरी में वैसे ये चीज़ें खानी तो नहीं चाहिए लेकिन चाय खाना की ये चीज़ बंदा कैसे छोड़ सकता है यार। ये आ गया जी इनका फ्रेश डोनट जो मैंने अभी बनवाया है यार। एंड यार कसम से इनके केक्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है यार। लस्सी क्या बात, पाउडर वाली चाय नहीं मजे की होती, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ज़बरदस्त ये इनका फ्रेश केक। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डन हो चुकी है, तमाम चीज़ें जो हैं हमने ट्राई की हैं। कितना टाइम रह गया रोज़ा बंद होने में। तीन दो मिनट रह गए हैं, बस फिट होके खा लिए, ज़बरदस्त हो गया। सैरन जो है हर जगह स्टार्ट हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में अजानें होंगी, नमाज पढ़ेंगे। कई रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद कर लिए, कई जगह अजानें हो रही हैं, कई जगह हो चुकी हैं। और जो हमारा आज का टारगेट था अभी हमने सहरी करनी है चाय खाना में, वो हो चुका है पूरा। क्यों भाई रोमान, ज़बरदस्त हो गया। अभी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ चाय खाना की, भाई ये कौन सी ब्रांच है और पर पर्सन सहरी बफे जो था वो कितने का था। ये है जी B17 मल्टी गार्डन वाली ब्रांच, एम्पोरियम मॉल जो बन रहा है B17 के अंदर, उसकी फर्स्ट फ्लोर पे बनी हुई है चाय खाना की ब्रांच। और ये पर पर्सन 1375 था और टैक्स इंक्लूड करके जो है 1600 बन जाता है। क्या होगी जी इसकी छोटी मोटी डिटेल्स, अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मेन्यू के अंदर जो भी आइटम्स थी ना यार बहुत ही आउट क्लास थी, जितनी आइटम्स इंक्लूड किए हैं, फ्रूट्स इंक्लूड करने बनते नहीं थे, वो बस वैसे ही इन्होंने मतलब फॉर्मेलिटी के लिए रखे हुए थे भाई एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है। तो बाकी A to Z तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो थी इनकी प्राइस। क्योंकि भाई इतना कुछ खास इनके मेन्यू में चिकन के अलावा कुछ था नहीं, बाकी ऑमलेट था आपके सामने, कीमा था, ये दो सालन थे जो स्पेशल थे, बाकी निहारी पाए और ये जो लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं सहरी के अंदर वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन 1600 पर पर्सन मेरे हिसाब से ही बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बाकी रोमान से भी रिव्यू लेते हैं, वो भी मेरे साथ था, कैसा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था, अभी बस जाते हैं नमाज पढ़ते। बहरहाल ब्रांड भी तो है ना रोमान खान, क्यों जी। अब वैसे मैंने ओवरऑल बात की थी भाई मेन्यू के हिसाब से इतनी प्राइस मैटर नहीं करती, सूट नहीं करती। अब ब्रांड अपने नाम के भी पैसे लेता है तो कुछ कह नहीं सकते हम। आज माशाल्लाह हम फजर की नमाज पढ़ेंगे जी B17 की मोस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह हाथ से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजर की नमाज भी हमने अदा कर ली, लेकिन नमाज पढ़ने का बहुत ही मजा आया। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी थी। खैर खैरियत से घर वापसी हो चुकी है, बस अभी थोड़ी देर कुरान की तिलावत करूंगा, फिर इंशाल्लाह चिल होके नींद पूरी करेंगे। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताएं भी आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट सैरी हमें कहाँ पर करनी चाहिए ये भी बताएं। व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मजीद ऐसी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।